हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये है मेरा करवा चौथ व्लॉग। इसमें मैंने कैसे DIY करके डेकोरेशन की है, कैसे खुद को रेडी किया, कैसे मैंने मेहंदी लगवाई, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। व्लॉग के एंड तक बने रहना मेरे साथ। सो ये था मेरा करवा एंड छलनी डेकोरेशन DIY आइडिया, क्विक आइडिया, बहुत जल्दी डेकोरेट हो जाता है, बहुत ही एलिगेंट भी लगता है। ये मेरे पास कुछ लेसेस थी जो कि घर में रखी हुई थी, मैंने इसको यूज़ किया है, जस्ट फेविकोल से इसको पेस्ट कर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे ना अपने करवा चौथ पर अपनी थाली को खुद से डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं आपको अपनी छोटी छोटी क्लिप भी शेयर करूँगी, कैसे मैंने खुद को रेडी किया, कैसे मैंने अपनी थाली को डेकोरेट किया। ये जो मेरा करवा और छलनी डेकोरेशन था, ये मैंने करवा चौथ से फर्स्ट नाइट को डेकोरेट किया था। और ये है अभी करवा चौथ वाले दिन की क्लिप, जिसमें मैंने सुबह को नहाकर, नए कपड़े पहनकर, और जो एक सुहागन का श्रृंगार होता है लाइक बिछुए, चूड़ियाँ, वो सब पहनकर सिंपली मैंने भगवान जी के आगे जोत जलाई थी। और फिर मैंने अपनी जो है पूजा की थाली वो डेकोरेट की थी। आपको अगर सेकेंडों में अपनी थाली को डेकोरेट करना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक के साथ, तो ये DIY आइडिया सबसे बेस्ट है। विद इन 3-4 मिनट में ही आप अपनी थाली को डेकोरेट कर लेते हैं। बस आपको डबल टेप की हेल्प से अपने पसंदीदा नेचुरल फूल जो भी होते हैं वो आपको वहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। मुझे गुलाब के फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर गुलाब के फूल ही यूज़ किए हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई दूसरे फूल भी यूज कर सकते हैं। आगे आने वाली दिवाली या फिर शादी, कोई ऐसा फंक्शन, उसमें आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हुआ था दोपहर के 12 बजकर, आई थिंक 15 या 20 मिनट कुछ ऐसा, तब मैं मेहंदी लगवाने गई थी। उससे पहले मैंने सुबह को उठकर नहाकर अपनी करवा माता को स्थापित कर उनके सामने जोत जलाकर अपनी थाली को डेकोरेट किया था, जो कि अभी आपने देखा। आई होप कि आपको मेरी डेकोरेशन अच्छी लगी होगी। और कैसे मैंने अपनी चौकी को सजाया था, कैसे करवा माता को सजाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी जो है करवा चौथ वाले दिन ही लगवाई थी दोपहर के टाइम। तो आई होप कि आप मेरी इस मेहंदी वाली क्लिप को भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो
सो गाइज, मुझे मेहंदी लगवाने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, बट मेहंदी मेरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी थाली डेकोरेशन आइडिया कैसा लगा वो भी आप मुझसे शेयर ज़रूर करना। तो ये है मेरा फाइनल लुक मेहंदी का, जस्ट मैंने अरेबिक मेहंदी ही लगवाई थी, वही मुझे अच्छी लग रही थी। सो मेहंदी लगा के आ चुकी थी मैं अपने घर, और अभी मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे से अपनी ज्वेलरी, बैंगल्स, मेकअप जो है उनकी क्लिप शेयर कर रही हूँ, जो मैं आज के अपने लुक में यूज करने वाली हूँ। साथ ही मैं अपनी ड्रेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप मेरे इस व्लॉग को इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बेल वाले आइकन के साथ। सो गाइज, मेहंदी लगवाते हुए मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, जल्दी जल्दी घर पहुंची, जल्दी जल्दी से रेडी हो रही थी क्योंकि पूजा का समय हो गया था, सभी लोग वेट भी कर रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो तीन लोग थे हम जिन्होंने मिलकर पूजा की थी। तो यहाँ पर मैंने एकदम से लाइट मेकअप किया हुआ है, मुझे लाइट मेकअप ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेकअप से ज़्यादा मैं अपने स्किन केयर को फॉलो करती हूँ। मैंने यहाँ पर मेकअप में अपना नॉर्मल फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट आईब्रो पेंसिल, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, वही जो नॉर्मल हम करते हैं वही मैंने किया हुआ था। और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हो गई थी मैं पूजा के लिए रेडी और जा रही हूँ पूजा करने। चलिए देखते हैं आगे मैंने कैसे पूजा की। गाइज, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा अपने कमेंट सेक्शन में। और अभी जो है पूजा करने के बाद तो ना ऐसी हालत हो गई थी, भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन प्यास के मारे ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अभी तो बहुत टाइम था चाँद निकलने में, बस वही हम लोग वेट कर रहे थे, बैठे थे। और ये छोटी सी क्लिप है मेरी रात वाली, जब चाँद निकलने वाला था उससे पहले मैंने अपनी थाली को जो है पूजा के लिए रेडी किया था, दिया और उसमें प्रसाद वगैरह वो सब रख के यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों पूजा कर रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से अपना आशीर्वाद लिया और अब चले जाते हैं हम चाँद को देखने के लिए कि कब निकलेंगे, कब हम उनको जल अर्पित करेंगे और कब हम पानी पियेंगे। क्योंकि ये टाइम आते आते ना हालत ऐसी हो जाती है कि बस इस दिन हमें पता चलता है कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। वैसे तो हम कितना वेस्ट करते हैं लेकिन इस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक बूंद पानी मुझे कहीं से मिल जाए, एक बूंद जिंदगी की, ऐसा फील हो रहा था। सो बस फाइनली चांद की पूजा की और उसके बाद जो मैंने है तुलसी की पूजा की, जल अर्पित करके खुद भी पानी पिया, और पानी पीने के बाद जो मुझे सुकून मिला। लेकिन व्रत का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है जब हम इस तरह से व्रत रखते हैं, और ख़ास तौर से जो है मुझे करवा चौथ का व्रत ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ अपनों का रखिए ख्याल। बाय बाय।